लेकिन अब संसद नहीं चलने दे रही। संसद में अगर विपक्ष मांग करता है तो विपक्ष की आवाज को बंद कर रहे हैं, माइक को बंद कर रहे हैं। ऐसी अहंकारी सत्ता आपने देखी है क्या? जो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्या? क्यों माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने क्या गलत कहा है मुझे बताइए, कुछ गलत कहा है? बीजेपी का कोई भी नेता कह दे बता दीजिए उन्होंने गलत क्या कहा है। उन्होंने विदेश में जाकर कहा कि हमारा लोकतंत्र पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन है, पूरी किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो यही डबल वार, और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की नेशनल मीडिया बनी है प्रधानमंत्री की चाटुकार। किसान 9 साल से कह रहे थे कि ये अडानी की गुलाम सरकार है, तब किसी ने नहीं मानी, लेकिन अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन सर आप ऋषभ जी आज फिर दिल्ली क्यों आना पड़ा रामलीला मैदान में? हमने सरकार को दो साल का समय दिया, जो सरकार ने खुद लिखित में वादे किए थे, MSP की गारंटी पर लीगल कानून बनाने की बात थी, जो बिजली बिल वापस लेने की बात थी, जो जितने भी मुकदमे हुए थे किसान आंदोलन के दौरान जो वापस लेने की 6 सूत्रीय मांग पत्र था, जो सरकार ने खुद दिया, लेकिन सरकार अपने वादों से मुकर गई। 2 साल में अब किसान का धैर्य टूट रहा है, अब किसान एक बड़ा आंदोलन दोबारा शुरू करेगा। जो हमारी सबसे मुख्य मांग है MSP की गारंटी पर लीगल कानून बनाया जाए और अजय मिश्रा टेनी को उसके पद से बर्खास्त किया जाए जिसने किसानों की हत्या की। 700 किसान हमारे किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए। तो ये सरकार अहंकार में है, इस सरकार का अहंकार हम तोड़ कर रहेंगे। बात देखिए 2024 से इसकी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आपने पहले भी कहा था कि वोट की चोट देंगे, लेकिन नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया, बीजेपी की सरकार बन गई। संस्थाओं की आजादी का काम है ना, जिस प्रकार आज लोकतांत्रिक संस्थाएं किस प्रकार काम कर रही है, चाहे चुनाव आयोग हो, CBI, ED भी हो, सबके अंदर RSS के लोग बैठे हुए हैं, तो वो चुनाव संस्थाएं निष्पक्ष काम नहीं कर रही। तो जब वो एक लोकतंत्र के अंदर नागरिक के पास 2 मुख्य अधिकार होते हैं, सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का अधिकार, जब उस वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, तो आंदोलन का अधिकार सबसे बड़ा हमारे पास अधिकार बचता है, अब आंदोलन का अधिकार। सड़कों के ऊपर आएंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन ये सड़कों के ऊपर भी नहीं आने दे रहे, शांतिपूर्वक विरोध करते हैं तो किसानों को भी लग रहा है जेलों में डाल रहे हैं। अभी भी बहुत सी ट्रेनें रोकी गई, रातों को किसान नेताओं को, किसानों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली आने से रोका गया। ये अहंकारी है, हम अपने ही देश के किसानों को देश की राजधानी के अंदर आने से रोक रहे हैं। ऐसी अहंकारी सत्ता आपने कभी देखी है? किसानों को भी लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। हां जी है खतरे में, यह सिर्फ हमारी बात नहीं है, जितनी भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही है, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट हो, चाहिए, सबको दिख रहा है कि सीधे तौर पर किस प्रकार नेशनल मीडिया काम कर रहा है, किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी काम लग रहा है कि किसानों की ओर से सरकार ने आंख नाक सब बंद कर लिए हैं। बंद कर लिए ना, प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है। और ये एक बात किसान 9 साल से कह रहे थे कि ये अडानी की गुलाम सरकार है, तब किसी ने नहीं मानी, लेकिन अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन अब संसद नहीं चलने दे रही। संसद में अगर विपक्ष मांग करता है तो विपक्ष की आवाज को बंद कर रहे हैं, माइक को बंद कर रहे हैं। ऐसी अहंकारी सत्ता आपने देखी है क्या? जो माइक को लोग सड़क पहले संसद बंद कर दो, सड़क संसद की बात करी तो एक सवाल ले ही लेते, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्या? क्यों माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने क्या गलत कहा है मुझे बताइए, कुछ गलत कहा है? बीजेपी का कोई भी नेता कह दे बता दीजिए उन्होंने गलत क्या कहा है। उन्होंने विदेश में जाकर कहा कि हमारा लोकतंत्र पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शन है, पूरी दुनिया के जो लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं उसमें से आधी आबादी भारत के अंदर रहती है। संजीव चेयरमैन, युवा जिलाध्यक्ष, हरिद्वार से हूँ। सर एक बार फिर किसानों की महापंचायत, क्या संदेश देने की कोशिश? संदेश यह है, किसानों को बार बार सरकार के द्वारा झूठ बोला जा रहा, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और हरियाणा में, पंजाब में और अन्य राज्यों में किसान गन्ने की खेती करता है। मैं जहाँ से आता हूँ वो उत्तराखंड से आता हूँ, मैं हरिद्वार जिले से आता हूँ, हरिद्वार जिला पूरा गन्ने के ऊपर निर्भर है, हरिद्वार का किसान। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ अक्टूबर में गन्ना फैक्ट्रियाँ चल जाती हैं, और जब किसान पहले गन्ने के पर्चे डाल कर आता है अक्टूबर में, उसको 00 उसकी पर्ची पर दिखाई देता है, जब 5 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट जिस कंपनी से बनकर चलता है, आप कन्याकुमारी कश्मीर में कहीं भी खरीद लो, उस पर रेट लिखा होता है कि ये MRP 5 रुपये। तो किसान MRP और MSP, किसान की मांग है MSP, हम MSP दो, हम भी अपनी फसल का रेट तय कर सका, हमें कुछ नहीं पता, अब भी हमारी पर्चियों पर 00 लिखा हुआ आ रहा, हमें क्या पता लगेगा हमारी ये फसल की। पर गारंटी तो आपने पहले भी सरकार से मांगी थी, समिति भी बैठा दी गई।
बिल्कुल बिठाई गई थी। सरासर सरकार ने धोखा किया। 14 महीने लगभग समय हो चुका, 13 महीने आंदोलन चला और 14 महीने लगभग हो चुके हैं, पर कोई कमेटी नहीं बनी। हमारे जितने संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी लीडर है, सारे लीडर है, किसी को वार्ता के लिए कुछ नहीं बोलने वाले है किसान इस वादा खिलाफ। चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर उन्होंने कहा है आंदोलन पहले भी होता है, अब भी आंदोलन होंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा और भी इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बायदापुरे नहीं हो रही, ये सरकार झूठी है, करनी और कर्तनी बराबर नहीं है इसकी। करनी कर्तनी में फर्क है सरकार। हाँ जी, क्यों लग रहा है आपको चाचा? पहले वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इसलिए लग रहा है हमें। हाँ तो कई कहे थे, कहा था कि किसानों के लिए आय बढ़ाएंगे, आय दुगुनी हो जाएगी, कब होगी? विश्वास नहीं बचा सरकार। अब नहीं बचा है, क्या करने वाले हैं अब आप? अब तो हम आंदोलन करेंगे और क्या करने वाले। लेकिन पहले भी आंदोलन क्या सर, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ था ना कुछ होगा, अब क्या करें? ये सरकार ही झूठी है, फिर आंदोलन हितैषी है किसानों की? नहीं है हितैषी किसानों की, हितैषी पूंजीपतियों की हितैषी है सरकार। पूंजीपतियों की ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो किसानों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है, 2000 रुपए खाते में भी भेज दिया। बोला किसान का कर्जा माफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया था। डीएपी है, खाद है, वो सब पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई। सरकार नहीं सुनी तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे अपना और क्या करेंगे? आंदोलन से फर्क पड़ेगा किसान आंदोलन? कुछ नहीं तो पड़ेगा ही। बिल वापस हुए या नहीं हुए? बिल वापस हुए, नाम नजदीक है, पहले भी यूपी इलेक्शन था और अब लोग सब। आंदोलन का चुनावी मुद्दा नहीं होता है सर, चुनावी मुद्दा चुनाव अलग होते हैं, आंदोलन से ना तो कोई वोट देता है ना वोट लेता है। छोट की बात तो आप लोग, विरोध का एक रूप होता है और लोकतंत्र के अंदर नागरिक के पास, हर नागरिक के पास अपना विरोध का अधिकार होता है, लेकिन ये उस विरोध के अधिकार को ही कुचल रहे हैं, विपक्ष की आवाज को बंद कर रहे हैं, माइक संसद के अंदर बंद कर रहे हैं। और जो आज के मुख्य मुद्दे हैं उन पर मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार, और जो ये सवाल मोदी जी से पूछे वो देश का गद्दार, क्योंकि देश की नेशनल मीडिया बनी है प्रधानमंत्री की चाटुकार। मैंने अपनी लाइनों के थ्रू बताया भी है। प्रधानमंत्री तो सेवक है, सेवा कर रहे हैं, वो गौतम अडानी के सेवक है। कहां सेवा कर रहे हैं? वादे पूरे नहीं करे, किसानों के लिए क्या सेवा हो रही है? अच्छे दिन की बात कही थी, आ गए ना अच्छे दिन? अच्छे दिन की कही थी, वो अच्छे दिन कब आएंगे? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में पहुँच कर अच्छे दिन कहेंगे चाचा? क्या कह रहे? अच्छे दिन तो बहुत आ गए मैडम, उन्होंने तो ये वादे किए थे किसानों के साथ कि किसानों की 2022 में आय दुगनी कर देंगे, किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे, किसानों के खाते में 15 लाख भी दे देंगे, लेकिन आज सब कुछ हुआ? आज यहाँ किसानों की क्या जरूरत पड़ी? आपने ये पूछा किसी से कि आज हमारा किसान यहाँ क्यों आया? अगर जानने की कोशिश करूं कि एक बार फिर किसानों को खेत छोड़कर क्यों आना पड़ा? जी अगर हमारी सरकार इतनी अच्छी होती, जैसे एक बाप होता है, बच्चे होते हैं, अगर घर का गार्जियन अच्छा हो, बाप अच्छा हो, तो बच्चों को आंदोलन करने की, बाप के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है मैडम? आज हमारे किसानों को वो जरूरत पड़ी है, जब मोदी साहब ने एक वादा लिया कि हम 14 महीने हमारे किसानों ने यहाँ धरना दिया, प्रदर्शन किया, अपनी मांग करते रहे, उन्होंने उनकी बात मानी कि हम ये कर देंगे, लिखित में दे देंगे, सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने जो ये बीच में हुआ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, तो हमारे किसानों को कमेटी में रखा गया, उन्हीं के आदमी सब कमेटी में रहे, केवल 2 आदमी हमारे रखे गए, वो भी उनको कहीं बुलाया नहीं गया, कोई बात नहीं की गई, तो अब किसान कब तक चुप बैठेगा? अब तो किसान 2024 आ रहा है, 2024 में अपना पता किसान निकाल लेगा ना? मानिए हम तो आंदोलन करेंगे, किसान इसकी बात कर रहे, क्या करने वाले 24 में क्या करेंगे? हम आगे बना भी सकते हैं, हम बिगाड़ भी सकते हैं, जो अच्छा लगेगा जो किसान